राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख नाशनल हेड आफ् मीडिया से आरएसएस अरुण कुमार इवती कार्यक्रम नीति राष्ट्रीय अधिवेशन बेहतर तब है नम्बर यार प्रश्न श्री अरुण कुमार इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इस पत्रकार और गोष्ठी में उसकी जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको सादर नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हमारी यह सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम बॉडी है, ये निर्णय लेने वाली संस्था है। यानी संघ के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ही लिए जाते हैं। सारे देश के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट्स के जो है जनरल सेक्रेटरी कार्यवाह संघ चालक उसके जो अध्यक्ष रहते हैं और संघ प्रचारक ऐसे और फिर अखिल भारतीय कार्यकारिणी, ये सब मिलाकर ये अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बनती है। 19 और 20 मार्च को अपनी ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा रहेगी। उससे एक दिन पूर्व अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल रहता है जिसमें ये स्टेट्स के संघचालक कार्यवाह और प्रचारक और ऑल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव और कार्यकारिणी के सदस्य ये सब लोग रहते हैं, वो आज शाम से प्रारंभ होगा, कल शाम तक वो रहेगा और फिर 19th and 20th को फिर अपनी ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा रहेगी। लास्ट ईयर भी पिछले वर्ष भी ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यही बेंगलुरु में होनी प्रस्तावित थी, ऐसी प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई थी, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदली और हम सब लोगों को ध्यान है कि पूरा वर्ष अपने इस कोरोना का जो पेंडेमिक है उसके क्राइसिस को फेस करने में सोसाइटी लगी, उस समय का जो वातावरण बना उसमें से फिर ऐसा निर्णय हुआ कि प्रतिनिधि सभा को स्थगित किया जाए। कुछ लोग यहां पर पहुंच गए थे लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने स्थानों से चल चुके थे, आधे रास्ते में थे, लेकिन परिस्थिति की जो भीषणता थी, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन उसको ध्यान में रखते हुए उस समय इस प्रतिनिधि सभा को रद्द किया गया और केवल एक दिन का कार्यकारी मंडल करके बैठक समाप्त कर दी गई। और इस वर्ष फिर इसलिए ऐसा निश्चित हुआ कि प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में ही की जाए। ये जो सारा साल था इसमें बहुत सारे स्टिपुलेटेड रेगुलेशंस थे जिसका पालन सबको करना था, इस कारण से नियमित काम संघ का भी प्रभावित रहा और संघ का एक स्वभाव भी है ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सरकारी नियम व्यवस्था का पालन करना, और इसीलिए हमारे जो दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट साल के रहते हैं और इसी प्रतिनिधि सभा की बैठक की तरह जुलाई के महीने में प्रांत प्रचारक बैठक करते हैं वो भी हमने स्थगित की, और फिर हमारा अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल अक्टूबर नवंबर में रहता है जिसमें लगभग 400 लोग रहते हैं वो भी हमने 11 स्थानों पर किया। परम पूज्य सरसंघ चालक और माननीय सर कार्यवाह सब स्थानों पर गए और देश भर में नवंबर के महीने में इन द मंथ ऑफ नवंबर दिस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल दैट वाज ऑर्गेनाइज एट 11 प्लेसेस एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ एट वन प्लेस। कुछ समय तो शाखाएं भी बंद रही, अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं थी, फिर जैसे जैसे हर जगह पर प्रांत का, जिले का, राज्यों का जैसा जैसा और व्यवस्थाएं सूचना आती गई तो अपने संघ का काम भी चला। अभी कोरोना की सारी सिचुएशन समाप्त तो नहीं हुई और इस सारे को ध्यान में रखते हुए पहले से भी हमने निश्चित किया था इस बार कि 1500 लगभग एक्सपेक्टेड होते हैं प्रति वर्ष, पर इंस्टेड ऑफ दैट ओनली 450 आर इनवाइटेड है। तो ये एक पहले से ध्यान में रखकर
अपना जो अपनी रिक्वायरमेंट थी लीगल उसको भी पूरा करना, संघ का अपना एक संविधान है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम जो आवश्यक है वो सब लोग यहाँ आएंगे, और 3 दिन की बैठक के स्थान पे 2 दिन की बैठक रखी है। पहले ये प्रतिसभा 3 दिन की रहती थी, इस बार केवल 2 दिन की रहेगी, और 450 persons आर एक्सपेक्टेड। 19th को मॉर्निंग में ये बैठक प्रारंभ होगी, 8:30 पर फर्स्ट सेशन रहेगा। अपने मीडिया के भी लोग जो उस समय फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं फोटो सेशन के लिए, वो 8:15 पे यहां पर आएंगे, तो 8:15 से 8:30 के बीच में, 8:35 के बीच में वो फोटो ले सकेंगे, और बाद में 19th को 9 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसमें इस सारी जो अपनी प्रतिसभा है इसके सब टॉपिक्स और बाकी सारे, क्योंकि उस समय तक अपना संघ का वृत्त भी आ जाएगा, बस सेशन में एनुअल रिपोर्टिंग होती है तो आप सबको उसकी एक प्रिंटेड कॉपी भी मिलेगी एनुअल रिपोर्ट की, और उस एनुअल रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो इस समय अपने काम की सिचुएशन है, आंकड़ा है, अपने संघ के काम की स्थिति क्या है, और फिर कल कार्यकारी मंडल में विचार भी हो जाएगा तो जो प्रस्ताव तय होंगे तो वो कौन से प्रस्ताव इसमें आने वाले हैं, रेजोल्यूशंस कौन से आने वाले हैं, उसकी भी जानकारी हम 19 को देंगे। तो इन द 19 मॉर्निंग एट 9 AM उस समय मनमोहन जी वैद्य अपने जो अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह है वो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, और उनके द्वारा जो है उस समय अपना एनुअल रिपोर्ट, उसके सेलियंट फीचर्स, इसके साथ साथ उस एनुअल रिपोर्ट के साथ जो अपने प्रस्ताव आने वाले हैं इस सारे की भी जानकारी। और 20th of March जो सेकंड सेशन रहता है उस समय हर 3 साल के बाद संघ में सर कार्यवाह का चुनाव होता है, तो ऑन 20th March अबाउट 11:30 जो अपना सेकंड सेशन रहेगा सुबह का उसमें सर कार्यवाह का चुनाव होगा, और 12:30 पर उस दिन फिर 20th March को अपने सारे प्रतिसभा की पिछले साल बेंगलुरु में हुई नहीं थी, और थोड़ा महाराष्ट्र की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस बार नागपुर के स्थान पर बेंगलुरु में ही हो रही है। तो एवरी 3 ईयर हम रिव्यू लेते हैं अपने काम का, तो 3 साल का हमने जो पिछले 3 वर्षों में तय किया था रिगार्डिंग एक्सपेंशन, पिछली बार हमने एक पर्यावरण की नई गतिविधि भी अपने यहां जोड़ी थी, और संघ ने फोकस भी किया था कि इन 3 सालों के अंदर जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, पर्यावरण एनवायरमेंट में विशेषकर हमने जल संरक्षण और वृक्षारोपण, ऐसा ट्री प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन, और प्लास्टिक का उपयोग समाज कम से कम करे इसके लिए अवेयरनेस, ऐसे विषयों को लेकर हमने 3 साल का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिस्कशन किया था, चर्चा की थी, तो थोड़ा ये 2 दिन की प्रतिसभा में इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि लास्ट 3 ईयर में हमने जो अपने टारगेट्स तय किए थे वो हमने प्राप्त किए क्या, और जो हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के नाते जो करना चाहते थे उस दिशा में हम कितने आगे बढ़ सकते। इसके साथ साथ आने वाले 3 सालों की प्लानिंग भी होगी, नेक्स्ट 3 इयर्स में व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, और आने वाले 3 वर्षों की इसकी भी चर्चा करेंगे। विशेषकर ये जो सारा कोरोना का कालखंड रहा इस 1 साल में डे टू डे संघ एक्टिविटी कम थी, लेकिन जिसको हम कहेंगे कि संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं की सक्रियता, यानी उनका समाज के साथ कनेक्ट बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़ी संख्या में नए नए सोशल एनजीओ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमारे निकट आए, समाज में बहुत सारे काम करने वाले लोग भी हमारे से जुड़े, और एक बड़ी संख्या में नए स्थानों पर भी अपने लोग पहुंचे। तो ये जो सारा कालखंड में हमारा जो बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, खासकर एक बड़ा जो कॉन्टैक्ट बना है, तो सबके मन में ऐसी एक कल्पना है कि आने वाले समय के अंदर सब मिलकर समाज के काम में और जुड़े। तो ये जो आने वाले समय में हम एक अच्छी प्लानिंग ऐसी भी करने वाले हैं कि ऐसे सारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इनको साथ लेकर अपनी सोसाइटी को
जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एड्रेस करने के लिए ऐसे सारे इश्यूज के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा इस बैठक में करने वाले हैं। तो लास्ट थ्री इयर्स का रिव्यू, नेक्स्ट थ्री ईयर का ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का प्लान, और अपने जो संपर्क में बहुत सारे लोग आए हैं इनके साथ मिलकर सोशल और समाज में जो है एक अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन उसको लेकर आने वाले समय में कुछ काम, ऐसे सारे विषयों की चर्चा इस सारी प्रतिनिधिसभा के अंदर हम सब लोग करने वाले हैं। इस सारी प्रतिनिधिसभा में मैंने पहले कहा कि संख्या बहुत कम है और इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नहीं आ पाए, तो ऐसी व्यवस्था की है कि संघ की दृष्टि से वर्किंग दृष्टि से हमने 44 प्रांत बना रखे हैं, जैसे कर्नाटक का कर्नाटक उत्तर और दक्षिण, ये दो अलग से ऐसे प्रांत है, वो तमिलनाडु में उत्तर और दक्षिण, ऐसे ही हमने 44 अपनी वर्किंग यूनिट बनाई है। तो जितने और लोग सब एक्सपेक्टेड थे अबाउट 1000, वो ऐसे 44 प्लेसेस पे ऑनलाइन भी जुड़ेंगे हमारे साथ और कुछ सेशन ऐसे होंगे जो ऑनलाइन होंगे। तो ऐसा ये सारा एक प्रतिनिधि सभा अभी आज की परिस्थिति को ध्यान में रख के कुछ लोग यहाँ पर और कुछ लोग अपने अपने स्थानों के ऊपर ऑनलाइन के माध्यम से आभासी माध्यम से ये जुड़ेंगे। ये सारी प्रतिनिधि सभा की रचना हमने रखी है, मैंने पहले कहा है कि इट इज ए प्रेस ब्रीफिंग नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर अंतिम दिन सर कार्यवाह जो आज को आपको लगता है वो देंगे। बैठक के बारे में आप कुछ भी और पूछना चाहें जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी के लिए मैंने कुछ बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त आपके मन में कुछ इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। सर क्या इस सभा का क्या फोकस क्या रहेगा, सोशल इश्यूज और दूसरे मुद्दे? जैसे पिछली बार आपने कहा था कि आईटी वर्कर्स को इन्वॉल्व करेंगे ज्यादा, मेंबरशिप बढ़ाएंगे, तो इस बार क्या रहेगा? नहीं, वो एक्सपेंशन का अपना प्लान तो तीनों ही है, एक एक्सपेंशन का प्लान अपना ज्योग्राफिकल रहता है, तो संघ का काम धीरे धीरे करके हर ब्लॉक और हर सिटी तक चला गया। अभी नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमने अबाउट 10,000 पॉपुलेशन के 60,000 मंडल एंड 60,000 के लगभग ही बस्ती हम बोलते हैं नगर के अंदर ये बनाई, और मंडल के अंदर 7-8 गांव रहते हैं, तो जिन मंडल गांवों तक बस्ती तक काम पहुंच गया वहां मंडल बस्ती तक के बाद उसके भी फिर नेक्स्ट 2000 की उप बस्ती हम मांगते हैं। तो प्रैक्टिकली संघ का सोच ऐसा है कि हर फैमिली तक हमारी रीच होनी चाहिए। तो अभी अपने एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1,20,000 मंडल और बस्ती है, लगभग 60-65,000 मंडल बस्ती तक अपना पहुंच है, इसको थोड़ा और बढ़ाकर 1,20,000 तक जाना, और जहां पर ये काम है वहां हर उप बस्ती तक जाना, हर गांव तक जाना, ऐसा अपना एक्सपेंशन का एक फोकस है। ये एक दूसरा एक्सपेंशन का फोकस है, क्योंकि हम समाज बदलना तो केवल संघ नहीं कर सकता, तो लाइक माइंडेड ऐसे जितने पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, समाज देश के लिए अच्छा छोड़ने सोचने वाले लोग, ऐसे सब लोगों से नेटवर्किंग करना, और नेटवर्किंग करके ऑन द इश्यूज, ये सब नेटवर्किंग हो सकती है। और खासकर इस कोरोना के कालखंड में लोगों के मन में भारतीय जीवन पद्धति, पर्यावरण, ऐसे सब विषयों पर अवेयरनेस भी बढ़ा है, इसका इंपॉर्टेंस भी लोगों को ध्यान में आया, योग, आयुर्वेद, ऐसे सारे विषय, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा एक नेटवर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके एक सोसाइटी वाइड एक बड़ा स्प्रेड हो, ये हमारा दूसरा फोकस है। और तीसरा, समाज में कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं जहां काम करते करते कम काम रह जाता है कभी कभी, उनको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना और उन तक उसके लिए विशेष एफर्ट्स करना। कुछ एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, तो उनके अंदर थोड़ा विशेष फोकस करना। किसी प्रांत में कोई एक जिला ऐसा हो सकता है जहां पर कुछ कम काम हो सकता है, तो उसको फोकस करना। तो ऐसे सारा जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज या एरिया छूट जाते हैं तो उनके ऊपर एक स्पेशल कंसंट्रेशन। तो ऐसा एक ज्योग्राफिकल, एक नेटवर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और तीसरा ऐसे जो अपने एरिया जहां कुछ काम कम है तो स्पेसिफिक सेलेक्ट करके उनमें काम करना। तो एक समाजव्यापी, राष्ट्रव्यापी, और एक समाज में सब संगठनों को जोड़कर एक ऐसा एक समाज का सामूहिक शक्ति खड़ी हो, ये संघ की दिशा है, ये अपना दिशा है। सर राजनीतिक मुद्दों पर क्या रेजोल्यूशन होने वाला है? नहीं, ऐसा होता है कि राजनीतिक मुद्दों पर अपने यहाँ कभी रेजोल्यूशन नहीं होते, तो उस पर होगा भी नहीं। और बाकी जिन विषयों पर रेजोल्यूशन होते हैं सामान्यतः वो समाज को दिशा देने वाले,
और संघ ने अपना विषय जो है वो समाज की शक्ति का जागरण रखा है, उनको ही ध्यान में रखकर अपने यहाँ जरूर जो मोदी ने यहाँ कर्नाटक में बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसमें कुछ लोगों ने जिक्र किया है कि ये संघ आरक्षण का विरोध कर रहा है और यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर उतर कर, उसके पीछे संघ है, ऐसा उनका आरोप है। ऐसा है कि मुझे लगता है कि इन विषयों पर बहुत बार स्पष्टीकरण दिया है, संघ के आरक्षण को लेकर रिजोल्यूशन है हमारी RSS.org की वेबसाइट पर है। बहुत पहले से हमने कहा है कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का शासन चल रहा है और संघ संविधान के अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है, तो उन सब बातों का हमारा पूर्ण समर्थन है और वो पूर्ण समर्थन जो है वो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप है, इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं। इसको लेकर बार बार अपनी ओर से स्पष्टता हुई है, वो कभी कभी उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते रहना और उसका उत्तर देते रहना वो नहीं है, लेकिन हम समय समय पर यह स्पष्ट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले दिनों परम पूज्य सत्संग चालक जी के विज्ञान भवन के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, दैट वाज द मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन विद द सोसाइटी था और अलग अलग समय पर दिया है, और बाकी वेबसाइट पर हमने अपने रेजोल्यूशन डाले जिससे हम बंधे हुए। थोड़ा करंट सिनेरियो पे चर्चा होगा, बाकी उसके बारे में आप कुछ पूछेंगे तो भैया जी अपना जो सरकार है जो होंगे उस समय वो देंगे। रेजोल्यूशन भी सब बताएंगे ना, रेजोल्यूशन कौन से आएंगे ये 19 को मनमोहन जी बता देंगे, क्योंकि कल उस पर डिस्कशन होगा, यानी आज शाम से कल शाम तक, तो पूरी कार्रवाई निश्चित हो जाएगी और आपके ऑफिशियल आंसर जो है वो सरकार है। हमारे संघ की 3 बार अखिल भारतीय बैठकें होती है, 1 मार्च के महीने में होती है, 2 जुलाई में होती है, 3 अक्टूबर में होती है, और इलेक्शन तो पूरे 5 साल चलते रहते हैं, वो कभी ऐसा होगा नहीं कि इलेक्शन ना हो। नहीं, मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्शंस को ध्यान में रखना होता तो फिर डेटे आप उस इलेक्शन से पहले करते। नहीं तो ये सब निश्चित है, ये 1 साल पहले डिसाइड हो जाता है, नेक्स्ट प्रतिनिधि सभा कब होगी ये इस बैठक के अंत में तय होता है। इसमें पॉलिटिकल फोकस क्या रहेगा? पॉलिटिकल फोकस नहीं होता, बताया ना प्रारंभ में बोलना। आखिरी दिन जनरल सेक्रेटरी अपने सर कार्यवाह आपके सब प्रश्नों पर देंगे ना उत्तर, सब प्रश्नों के बारे में।